राम राम सीताराम सबको, राम राम सीताराम। तो जल्दी जल्दी उठ गया है और मम्मी यहाँ पे है, सबको चाय पीना होता है उठ के। ये सुबह सुबह रोज चाय क्यों पीते हैं लोग, समझ में नहीं आता। वाली बहन यहाँ पे पी रहे, मम्मी को पीना अभी। कंप्लेन बहुत आ रही है वाली बहन की। मम्मी चाय पी रहे यहाँ पे, हल्दी है या की एक शमशेर घी नहीं नाखन किया हमारा चाय पी रहे। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, पहले वस्ता भाई आते हैं तो घोड़ी को बाहर चेंज करते हैं। पहले ये सारा रूटीन हम करते थे, बाद में गायों को खाना डालते हैं सबको, बाद में वन बाय वन सबका दूध निकालते हैं। यहाँ पे क्या किया है वस्ता भाई ने, इसको खुला भी रखा है और दरवाज़ा भी खुला रखा है। ऐसे ये निकलेगी तो नहीं, यहाँ पर ही है भाई, मिस्टेक रह गया। गोपी इतनी शांत है या थोड़ी सी वीकनेस से समझ में नहीं आया, लेकिन वो सोती रहती है क्योंकि थोड़ी सी उसको भी थकान लगी थी, ट्रैवलिंग किया था तो सीधा। अभी इसका दूध निकालेंगे और रहता है यहाँ पे, और अभी तुलसी का दूध निकल रहा है। तुलसी और इसको प्रॉब्लम है, देखो गाय को बाहू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसको बाहू भागो ये पूरा निकाल देगी। बाहू को लग रहा है कि वो मस्ती कर रही है, क्योंकि इसने कभी ऐसा जानवर पहले कभी देखा नहीं। यहाँ पे पहला टर्न तुलसी का है, तुलसी को पहले दूध निकाल लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है दूध निकालने में, तो ये काम हो जाए तो बाद में सारी गाय ये इजी लगती है। आते वे हजे वाली थी चाहे अभी अवस्था भाई कोई प्यार दे रही है सर। क्योंकि अभी बछड़ी को वहाँ पे बांध देते हैं खाना खाने के बाद, मतलब कि दूध पिलाने के बाद, तो फिर वो बछड़ी की जगह वस्ता भाई को ऐसे चढ़ रही है। तो आभा अभी आराम में है, और बाहू को जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना, इसको पीछे आना होता है। पीलू है अभी, मीरा का दूध भी निकलना बाकी है, और यहाँ का गोबर होता है वो हम डालते नहीं है, सिर्फ उस साइड का होता है, वो इस साइड कर देते हैं, फिर ये मिक्स होता रहता है, फिर एक दो महीने में एक बार डाल देते हैं। इसको मस्ती करनी होती है, बाहू ऐसी मस्ती करने वो जा रहा है हमारी नई गाय के पास, हमारी नई घोड़ी के पास। लेकिन उन दोनों को, घोड़ी को तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाय को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गाय को लग रहा है कि ये क्या आ गया है छोटा जानवर ऐसा। सुबह इसको हाथ फेरे ना तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर ब्रशिंग करे तो अच्छा लगता है। और मीरा इस साइड वेट कर रही है कि मेरा टर्न कब आएगा ना। अभी ये जो गोबर है रात का वो सारा क्लीनिंग कर देंगे, अभी इस साइड डाल देते हैं सारा, फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसको निकाल सकते हैं। ब्रशिंग ही करना होता है, लेकिन अभी मैं कुछ लेके नहीं। बाहू चलो तुम भागो 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 भागो, बाहू का ये होता है, मस्ती करनी होती है सुबह सुबह। अभी हमारे एनिमल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 3 एनिमल्स बढ़ चुके हैं। अभी पीलू का बेबी आएगा तो एक और एनिमल आ जाएगा। सूरज हमारी बड़ी गायन सूरज है यहाँ पे साथ में। शेर टाइगर की मस्ती चलती रहती है, थोड़ी सी फाइटिंग भी चलती रहती है। और अभी अर्जुन का भी दूध पीने का टाइम आएगा, तरुण को ऑलरेडी खाना डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारी छोटी सी क्वीन जो खाना खाती रहती है। इससे थोड़ा सा आज गंदा हो गया है, आज नहलाना भी है।
अभी वो आएगी पास में, देख लो। और बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इसका। अच्छा खाना खाना है अभी, खाना खाना है। इसका ना बहुत फ्रेंडली नेचर है और बहुत प्यार से, मतलब हम जब भी आते हैं बुलाते हैं तो आती है। और आज इसको नहलाना भी है शायद, नहीं हमारी गाय को भी नहलाया, अभी देखते हैं, बाल ठीक कर देती हूँ। चलो अभी जो बच्चा कुचा चाय है वो अवस्था भाई को मिल रहा है यहाँ पे, जो गरम गरम चाय है वो वाली बहन ने खत्म कर ली है, क्योंकि अवस्था भाई फिर गाय का दूध निकालते हैं तो नहीं टाइम बचता। तो ओम अभी सो रहा है और हम दे रेड चाय, जो नींबू वाली चाय पीता है वो पी रहा है। और आज राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग जी, राम राम सीताराम जी। और शिव को ना अभी यहाँ पे बैठने में मजा आता है, सोफे में कोई सामने बैठा हुआ है तो देखता रहता है। आज कैसे पेट दबा देते तो भी मीरा का तुलसी का दूध निकाल लिया। अभी जो लास्ट में बाकी है वो है हमारी गंगा, और इसको अच्छे से दूध पिला रहे पे। हाँ तो अभी यहाँ पे तो पड़े नहीं, जंप रखा है वहाँ पे, जेक जो बोलते हैं ना जेक रखा है, क्योंकि वरना ये गिर जाती है बैठ जाती है। और अभी थोड़ी सी जो ये हमारी बछड़ी है वो वीक लग रही है, मतलब कि ट्रैवल की वजह से, तो इसको रामदेव भी बोला था कि इसको फुल दूध पिलाना ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी आ जाए। पिए तक करी आज कंप्लीट है वाले थाक बता उतरी गई, क्योंकि अभी इसको 5-7-8 घंटे हुए थे और इसको ट्रैवल करना पड़ा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हार्ड लगा था। गाय को इतना नहीं लगा, बछड़ी को ज्यादा लगा था। और यहाँ पे मस्ता भाई ने झेक लगा के रखा है। धीरे धीरे इसको सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आंचल भी ले लेगी। अभी तो इसको आंचल देना पड़ता है, जब मुंह में से छूट जाता है तो फिर दूसरा चेंज करके देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ही ले लेगी। और थोड़ा टाइम लगेगा वस्ता भाई को इधर उधर घूमने में, तो वो खत्म भी कर जाएगी। लिया है टंकी फुल कर ली है, तो अभी जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो निकाल लेते हैं। बहुत टाइम के बाद में आज निकाल दी हूँ मछली को, देखो इन्हें थोड़े नाक में। अच्छा दो आई जाइए मेरे पे तुलसी। तो अभी क्या है, पहले गीगन था तो वो वीडियो में फिर वो अच्छे से वीडियो शूट कर देता था, अभी वस्ता भाई को ट्रेनिंग दे रहे धीरे धीरे। और अभी दूध निकाल लिया है कि बछड़ी को भी आज पिलाया है, और आई थिंक
दूध अच्छा करेगी, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है कि बछड़ी को ज़्यादा पिलाना है और थोड़ा सा हम रख देते ताकि उसको ज़्यादा वीकनेस भी ना आ जाए। और लास्ट में हम जो क्रीम आता है एक मॉइस्चराइजर क्रीम जैसा, वो सारे आँचलों में इसको वॉश करके लगा देते हैं ताकि इसके आँचल कुछ फटे ना और ड्राई भी ना हो ज़्यादा। तो आज का मिल्किंग हो गया, बहुत टाइम के बाद पूरी गाय का दूध निकाला है, आधा तो बछड़ी ने पी लिया। अभी अभी टंकी हो गई है फुल, अभी चलने का भी मन नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसे करेंगे ना तो एनर्जी आ जाएगी। अभी देखते हैं पीछे आती है या नहीं, आ जाओ। और गाय को नहीं अच्छा लगा, भागो भागो भागो, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो तो डाइजेस्ट हो जाए पूरा और फिर भूख भी लगे। ये सोती रहती है, दूध नहीं पीती है, दूध पी के सोती रहती है तो फिर एनर्जी वेस्ट नहीं होती थी। नाक माथी निकले आने अन्न नड़ी श्वास नड़ी एक तले ना फोकता हवा इसी तरह सीधा है। ये ऐसे चल रही है जैसे जब गर्ल्स ने हील्स पहनी हो ना, ऐसे सीधा चलते ऐसे चल रही है। आ जा तो भी वो बहुत अच्छे से पहचान लेगी, जैसे बेबीज पहचानते वैसे आसपास जो भी लोग होते। गोपी चलो, वो खींचेंगे तो पीछे ही जाएंगे। चलो अभी हमारा प्लान क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना मतलब कि ये जो है वो घोड़ी की जगह है, तो इसीलिए तुलसी एंड ये दोनों साथ में रह सकती है। वैसे तो उस साइड बहुत इनफ जगह है, सारी गायें साथ में रह सकती है, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं कि तुलसी और दोनों को यहाँ पे रखते हैं तो इसका दूध निकालना भी इजी होगा, दोनों साइड जगह है। और पहले हम भैंसों को भी यहाँ पे रखते थे ऐसे, तो अभी देखते हैं दोनों को साथ में चेंज करते हैं और क्या करती है वो दोनों। बंद कर दे थोड़ी बार पॉसिबल नहीं, फिर इन वास्तविक तुलसी को लगा मेरे घर में कौन आ गया ये। तुलसी पलिन जरा कलू करो थी नहीं बोला, पहले इसको खाना है अभी कि यहाँ पे है कुछ स्पेशल खाना। तो बछड़ी के लिए निकलाना इसको। अभी गंगा को क्या है ज्यादा अपनी बछड़ी का ध्यान है। हाँ देखो यहाँ पे पानी भी मिल सकता है, सब कुछ है। खोला ना, इसको पास में रख देंगे, वहां से दूसरी गायों को भी मिल सकती हो तुम। और तुलसी तो किसी को भी दूध पीने देती है, अपना बछड़ा हो दूसरे का बछड़ा हो सबको पीने देती है। ठीक है अब तुम्हारा बेबी भी यहाँ पे है, ये तुम्हारी नई जगह है। दोनों को चेंज किया है और धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी तो फिर तुलसी एंड गोपी दोनों को यहाँ पे रख सकते हैं। ये पानी है पीने का, पी लो। यस